नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परनय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों। मजबूरी हो गई है नामांकन का दौर, क्योंकि ग्रामीण एकता मंच करके हमारी एक संस्था चलती है। वो संस्था लगभग 10-12 सालों साल से चला रहे हैं, मैं उसका अध्यक्ष। आप गोधर का प्रदूषण को ले लीजिए। गोधर के प्रदूषण में हम सभी ग्रामीण एकता मंच, लेप्रोसी के लोग आए हुए थे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, स्पेशल मिनट्स बना के दिया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया। उसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जाके PIL उसके खिलाफ दर्ज कराया। एक बार 75,000 वृक्ष अवैध काट दिया था, उस समय 2008 में जाके PIL हाईकोर्ट में दर्ज कराया। माननीय भगवती प्रसाद जी चीफ जस्टिस थे, उन केस को टेकअप किए और 134 हेक्टेयर में पौधारोपण करवाएं। तो धनबाद को तो पूरा प्रदूषण से विशेषियल फैला रहा। ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियम को मानना है, ना DC का ऑर्डर का मानना है। बराबर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चिट्ठी दे रहा है हर एक काम में। आप देख लीजिए, रेलवे लाइन 2 साल बंद हुआ, क्या आग बुझी? आग बुझ गई 2 साल में। राजनीति की इतनी गंदी नहीं होने चाहिए वोट के लिए कि 2 साल लोग ट्रेन के लिए तड़पे, 2 साल कंटिन्यू ट्रेन के लिए तड़पे। सुनते कि थोड़ा DGMS के लोग बोरिंग कराया, 50 ट्रक बालू भरवाया, कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, ऊपर से 2 साल लोग भोगे। तो इन्हीं सब बातों के लेके बहुत अंदर से पीड़ा होती थी। किसी चीज़ के ODF घोषित कर देना, शौचालय को ODF घोषित कर देना, क्या शौचालय की आवश्यकता नहीं है? बाल बच्चा अभी बड़े होंगे, उसके आवश्यकता नहीं है? कुष्ठ परिवार के हम देख रेख करते हैं, इन परिवारों को इधर आइएगा माता जी, आइए आगे। 100 गो परिवार मेरे पास इन लोग को देखते हैं, पैदल चल के मेरे लिए आए। हम इन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए नहीं आए, समाज में दिखाने आए। कोई चीज को आप ODF घोषित मत कीजिए। बीमारी कभी मुक्त नहीं होता। क्या पोलियो का पेशेंट नहीं मिलता है, पोलियो मुक्त हो गया? कुछ लोग को दिक्कत होता है, निर्मला अस्पताल जाइए, वहाँ के ट्रस्ट से पूछिए। बाहर से फंड आता था, बंद कर दिया फंड। क्या तो यहाँ खाता पत्र में घोषित हो गया कि कुष्ठ मुक्त हो गया अपना झारखंड, कुष्ठ मुक्त हो गया। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं। विस्थापन का मुद्दा हो, अगर विशेषियल कोल बेरिंग एरिया से हम आते हैं, एक थोड़ा सा छेद हो जाए तो देखिए विशेषियल तुरंत नोटिस चिपकाता है कि जगह असुरक्षित हो गया। बाढ़ आता है बिहार में, हर एक साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं, क्या उनको घर खाली करा दिया जाता है? नहीं खाली करा पाएंगे, विधानसभा के पटल पर रख कर सरकार से काम करवाएंगे ताकि लोगों को भलाई हो, लोगों का काम हो। आज तक जो काम नहीं हुआ उसको पूरा करने का काम। चुनाव जीतने के बाद आप जनता के बीच में कौन से मुद्दे को लेकर जाना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले मुद्दा जो है वो बेसिक है। आप इधर भी जिस क्षेत्र में जाते हैं, सबसे पहला मुद्दा पानी का होता है। पानी की बहुत किल्लत है, चीज़ें प्रोसेस जो मैनेजमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, जो चीज़ें मतलब आम लोगों से पहुँच नहीं पा रही। सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का, शिक्षा का है। मैं एक शिक्षा भी के तौर पर मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं शिक्षा के, बहुत से कुछ इनिशिएटिव लो और झरिया और धनबाद को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाऊँ। झरिया में जैसे कि प्रदूषण का माहौल बहुत है, तो उसकी रोकथाम की प्रक्रिया के बारे में बताएं। उसके रोकथाम के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेगी, साथ साथ जनता को जागरूक करने के अलावा हमें ये इनिशिएटिव लेने की, ये हमारा साल है। जैसे आप देखते हो कि हमारे झरिया या धनबाद से जो भी प्रतिनिधि है, चाहे MLA की हम बात कर लें या सांसद की बात कर लें, वो या तो धनबाद या झरिया में रहते नहीं, या फिर वो ये नहीं फील करते, वो मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो लग्जरी है। शायद वो ये नहीं फील करते कि हम धनबाद में रह रहे, हमें अपने घर को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना। जैसे कि जैसे हम अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं, घर आपका बहुत ही सुंदर है लेकिन घर के बाहर अगर कूड़ा है तो अच्छा फील नहीं होता है। तो ये सोचे कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर को सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए। तो ये सारे मुद्दे रहे। सर, युवाओं से आपकी क्या अपील है? मुझे युवाओं से ये अपेक्षा है कि जो पुरानी सोच होती थी उसमें थोड़ी सी मतलब वो सोच जो है इतनी मतलब संकीर्ण हो चुकी है, वो बदल नहीं पा रही है। लेकिन जो युवा सोच है वो चीज़ें बदल रही है, समझने की सलाहियत है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन तुरंत पास हो जाती है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या प्रोपेगेंडा है, सब चीज़ें क्लियर हो रही है। तो युवाओं से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मुझे उम्मीद है ये इस चुनाव में युवाएँ अपनी जो
रोल निभाएंगी उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जो बेसिक इश्यूज रही है वर्षों से, 40 साल से या 20 साल से, पानी का जो मुद्दा रहा है वो है, और इसके अलावा शिक्षा का। अगर लोग शिक्षित होंगे तो रोज़गार भी मिलेगा। सबसे पहले देखिए होता क्या ना, प्रत्याशी ये करते हैं रोज़गार देंगे, ये हमारे दिमाग रोज़गार, लेकिन रोज़गार कैसे आएगा, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा होगा रोज़गार होगी, शिक्षा होगा विकास होगा, तो पानी होगा। जैसे पानी का समस्या है, सभी लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि हम पानी के लिए ये करेंगे, पानी के लिए वो करेंगे, लेकिन हम इस पे बात करेंगे कि पानी नहीं होने से पे क्या समस्याएं, पानी नहीं होने से क्या समस्याएं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें पानी के लिए इंतजाम करना होता है, औरतें का जो काम होता है या फिर उनको बाहर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सफ़र करना पड़ता है। कई चीज़ें उनके साथ होती है, घटना भी होती है, टॉन्टिंग भी होती है। घर की औरतें अगर पानी के लिए मतलब दूर दूर जा रही हैं, उनका बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है, या फिर कोई मजदूर वर्ग के लोग अगर पानी के लिए दिल्लत कर रहे घर से, मतलब अगर पूरा दिन पानी के लिए मतलब मशक्कत कर रहे, तो फिर वो काम कहाँ से करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? पैसे नहीं कमाएंगे तो उसकी जिंदगी सेट करेंगे। तो हमारा ये मुद्दा है, मैं शुरू से लोगों के दिलों में अलग जगाने का काम करता हूँ, तो मैं अपने मैं सामने ये नहीं देख रहा हूँ मेरे सामने कौन कम लीडर है। मेरा जो काम रहा है शुरू से, मैं बस उस पर काम कर रहा हूँ, लोगों में अलग जगाता हूँ, और काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं और किन में सलाहियत है, किन में कैपेबिलिटी है, कौन झूठे वादे कर रहे हैं, कौन किनकी नीयत की है। तो सारी कुछ जो होते हैं ना, नीयत की, आपकी नीयत क्या है, आप किस इरादे से चुनाव में आए, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बस एक अच्छे नेक नीयत से आए हो, मुझे ये नहीं है कि हाँ आप मतलब लोग मुझे वोट दे के जिताए तो ही मैं उनके लिए कुछ करूँगा। मैं हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहूँ और आगे भी खड़ा रहूँ। विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो लोगों को बोलने की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, और आज से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो इस मतलब काम करने में सक्षम नहीं रहे। क्या आपने इतना जो स्ट्रगल जो किया है रेलवे का, खास कर देखा जाता है आपको उसे भी जोर से देखा जाता है, तो कितना उसका लाभ मिल रहा है? ये सबसे पहले मैं पूरे कोलांचल और जितने भी पत्रकार मीडिया बंधु हैं, आप सभी के सहयोग से ही जो है डीसी रेल आंदोलन को हम लोगों ने मुकाम तक पहुंचा पाया, भारत की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, और आशा ने पूर्ण विश्वास करते हैं कि चूंकि जनता जागरूक हो गई है और आने वाला समय में लोग अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, ये जनता खुद समझदार हो चुकी है। देखिए दिग्गज कोई नेता नहीं होता है, दिग्गज जनता होती है, तो जनता ही पहुँचाती है। जी सबसे पहले आप किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे मैम चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ है आपका पानी, बिजली, ये सब बेरोजगारी, बहुत सारा समस्या है। अभी वहाँ गड़िया उजाड़ कर बिलगड़िया शिफ्ट किया जा रहा है जी, लेकिन वहाँ भी परेशानी से वहाँ का लोग मुक्त नहीं। अच्छा मैम, झरिया में काफ़ी प्रदूषण का माहौल बना हुआ है मैम, तो उसकी रोकथाम की प्रक्रिया के बारे में बताएं। और शिक्षा के बारे में क्या कहना है मैम आपका? शिक्षा के बारे में भी, जब शिक्षित नहीं लोग होंगे तो विकास कैसे, तो सबसे पहले शिक्षित। और युवाओं से कुछ अपील? युवाओं का हम सबको कहने और सुनने सुनाने तो करिए हमारा। और हमारा मुद्दा स्मेलिंग की राजनीति करते नेसा के माननीय विधायक जी, बेरोजगार गरीबों को उन्होंने नस पकड़ रखा है कि बेरोजगार को क्या चाहिए। चुनाव के समय आता है 200 फुट पीसीसी रोड दे दिया, वो बेचारा 30,000 रुपए के चलते सारा चीज भूल जाता है, 5 साल लूटने का काम करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए राज्यसभा में माननीय निरसा विधायक जी भाजपा के विरोध में चुनाव जीत कर आते हैं और जाकर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करते हैं। हमारा मुद्दा स्पष्ट है, स्थानीय विकास, करप्शन से मुक्ति और पलायन रोकना चाहते हैं हम। यहाँ के जो बेटे बाहर जाके मार खा रहे हैं, जो धरती पुत्र है, जो निरसा का बेटा है, जिसका आदिकाल से यहाँ संपत्ति है, जिसका निरसा है, वो बाहर जाकर मार खा रहा है। अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो निरसा का कोई भी बिना इलाज का नहीं मरेगा,
कोई भी बेटी का बिना शादी का नहीं भागेगा, कोई भी बुजुर्ग को बिना इलाज के लिए उनके घर वाले मजबूरी में रो रो के जान नहीं जाएगा, और कोई बेटा को बाहर पलायन करने नहीं देंगे। हमारा निरसा विधानसभा पूरा झारखंड को चलाने की क्षमता रखता है, क्या निरसा के लोगों को नहीं कर पाएगा? ये सरकार का सारा व्यवस्था तंत्र फेल है। DMCH में जाकर देखे एक दवा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में एक मेडिसिन नहीं है, थाना में दरोगा जी मारते हैं, लोगों को गाली देते हैं। आम जनता का नौकर है पुलिस, लेकिन मालिक बनकर बैठे हैं। उनको नौकर, वो नौकर है दे, और उनको याद दिलाएंगे कि वो नौकर ही रहेगी। अरे आप ही कीजिए, सबको ये दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही। KCN TV चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ।